48 स्टार्ट करते हैं जी, FR1 CAF1। ये सवाल कल टाइम थी हमने स्टार्ट किया था और एडजस्टमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी कर ली थी, 7 भी हो गई थी, कमाल है। ओके, नंबर 8 में था परचेज रिटर्न जी, इधर नहीं लिखी थी, एन आइटम ऑफ फर्नीचर सोल्ड ऑन क्रेडिट, लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्डेड, 2 मिलियन डेप्रिसिएशन चार्ज, ये पता नहीं इसकी है या नहीं है। ठीक है, 7th एडजस्टमेंट, ये मेरे दोस्त ने यहाँ पे नोट की है। ठीक है भाई, ऐसे क्यों चले गए तुम? अच्छा ओके जी, अच्छा 8th एडजस्टमेंट करते हैं, यहाँ तक को मसला है तो बताएं, यहाँ तक को मसला, 8th एडजस्टमेंट में भी मसला नहीं होना, लेकिन 9th उससे पहले कर लेते हैं। कल मैंने एक बात की थी, वो बात ये थी कि ड्राइंग्स की इन द फॉर्म ऑफ गुड्स 20 होती है, ड्राइंग्स डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। ठीक है जी, और अगर गुड्स दे दी अल्लाह के वास्ते किसी को, चैरिटी कर दी, तो चैरिटी यहाँ पर मैंने कहा था एक्सपेंस है, एसेट तो आगे बनता है, ठीक है ना, प्रीपेड चैरिटी एक्सपेंस। अगर गुड्स किसी को दे दी, अपनी ट्रेडिंग वाली गुड्स किसी को दे दी, चैरिटी कर दी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो चैरिटी एक्सपेंस डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। अगर आपने एडवर्टीजमेंट के तौर पे सैंपल्स फ्री में बांटे अपनी गुड्स के, फॉर द पर्पज ऑफ एडवर्टीजमेंट ही होता है ना ये, तो उसकी एंट्री होती है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट। ऐसे ही हमारे सवाल के अंदर गिवन था, आपने अपनी ही गुड्स उठाकर इस्तेमाल कर दी कोई चीज रिपेयर करने में, तो उसकी एंट्री भी बनी रिपेयर एक्सपेंस डेबिट परचेजेस क्रेडिट। ठीक है जी, और इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस एंट्री इज ऑलवेज पास विद कॉस्ट। ठीक है जी, अब जो हमारी एडजस्टमेंट नंबर 9 है, इस 9 एडजस्टमेंट के अंदर एंट्री होनी चाहिए थी ड्राइंग्स डेबिट, ये तो रूल बन गया ना ऊपर हमने लिख लिया, परचेजेस क्रेडिट, और होनी कॉस्ट से चाहिए। वो कहता है द ओनर हैड विथड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग 4680 फॉर पर्सनल यूज, नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। तो 4680 से ये एंट्री होना चाहिए थी, लेकिन ये एंट्री नहीं हुई। ठीक है, कोई एंट्री हुई नहीं, रॉन्ग क्या हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, जो होना था वो नहीं हुआ, तो फिर रेक्टिफाइंग एंट्री में यही एंट्री दोबारा कर लोगे एज इट इज, ड्राइंग्स डेबिट और परचेजेस क्रेडिट कर लो 4680। और ये आपने देखा था कि हम इसी रेक्टिफाइंग एंट्री को ही देखा करते थे। ठीक है, सवाल की नेचर ऐसी थी कि हमने एसेट्स और लाइबिलिटीज को नहीं देखा था, हम सिर्फ इनकम्स एक्सपेंसेस को देख रहे थे, तो ड्राइंग से हमें कोई सरोकार नहीं है। इस एडजस्टमेंट में हमें सरोकार है इस परचेज की फिगर से, कि परचेजेस 4680 से हो रही हैं कम, परचेज इज एन एक्सपेंस, अगर एक्सपेंस कम हो तो प्रॉफिट बढ़ जाता है, और परचेज जीपी से ऊपर के आइटम है या नीचे का, तो फिर इसने जीपी को इम्पैक्ट देना है, तो परचेज यानी एक्सपेंस कम हुआ तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा एडजस्टमेंट 9 है, प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऐड कर देंगे आप एडजस्टमेंट नंबर 9, ये काफी है। लेकिन चलो आपके समझने के लिए मैंने पहले भी लिखा था, यहाँ पे भी लिख दिया, ड्राइंग्स कितनी 4.68, ठीक है जी, ऐड कर दिया, ठीक हो गया, सही है, ये समझ आया कि नहीं समझ आया कुछ, मतलब यार ड्राइंग्स ही है ना, इम्पैक्ट तो ठीक है ना यार, हेलो भाई दो, ठीक है, मतलब वो ड्राइंग्स की वजह से ही काम हुआ था ना यार, मैंने तो कहा भी आई अंग्रेजी मत लिखो, क्या कह रहे हो, होश से बात करो, ड्राइंग्स का इंपैक्ट क्लोजिंग स्टॉक पे क्या आना है, क्या मतलब बेटा, परचेजेस कम हो गई ना, आपके सामने मैंने कल इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, तो वो कुछ इस तरह की बनी थी, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये तो सबर करो ना, इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक होता है, ठीक है, और इनका टोटल हमारा बनता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, वो माइनस करते हैं तो हम आ जाते हैं जीपी तक। ठीक है, अब परचेज को किया कम, जिस वजह से कॉस्ट ऑफ सेल भी हो गई कम, तो प्रॉफिट गया बढ़। ठीक है, अब पीरियोडिक सिस्टम के अंदर आप ईयर एंड पे पड़े हुए स्टॉक को गिनते हैं,
तो जब आपने ईयर एंड पे स्टॉक को गिनना है तो ये गुड्स तो ओनर के पेट में होंगी, अगर बेकरी है तो, क्या मतलब पर्सनल यूज के लिए ले गया था तो वो तो गुड्स ईयर एंड पे पड़ी नहीं है, जब पड़ी नहीं है तो वो क्लोजिंग स्टॉक के अंदर तो ऐड नहीं हुई होंगी, तो जो क्लोजिंग स्टॉक की फिगर होगी उसमें ये गुड्स नहीं शामिल। अब हमें सिर्फ ये करना था कि क्योंकि परचेजेस में वो पड़ी हुई हैं तो उस वजह से परचेज ज़्यादा होने की वजह से ये कॉस्ट ऑफ सेल ज़्यादा है, ये कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है, ये चीज़ें बिकी नहीं हैं, ये चीज़ें तो ओनर घर ले गया है तो ये कॉस्ट ऑफ सेल से कम करनी चाहिए, तो सिंपली परचेज को कम करें तो वो कॉस्ट ऑफ सेल को कम करता है जिस वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है, कॉस्ट कम होने से, यानी एक्सपेंस कम कर रहे हैं ना भाई, ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है कि कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रही है इससे, परचेज कॉस्ट ऑफ सेल को डेबिट करती है ना, बोलो पढ़ाती है ना, ये देखो ऐड हो रही है, ठीक है ना, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है कि इसको हम कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बना रहे हैं, ये तो ओनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स इस्तेमाल किए हैं तो यहां से निकाल दो, तो जब परचेस को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी और जीपी बढ़ जाएगा, तो इंपैक्ट ही शो करना था ना, तो इसलिए हमने इसको ऐड कर दिया परचेज को, क्लोजिंग स्टॉक का कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ, क्योंकि पीरियोडिक इन्वेंटरी मेथड मैंने आपको बताया था क्लोजिंग स्टॉक काउंट ही कैसे होता है, निकालते कैसे हैं, फिजिकल काउंट एंड पे करते हैं, फाइफ ओ एफ को लगा के क्लोजिंग स्टॉक निकल आता है। अब एक जो चीज है वो ड्यूरिंग द ईयर, ऊपर लिखा था ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग एरर्स वर ड्यूरिंग रिव्यू फॉलोइंग एरर्स वर नोटिस्ड, क्या ये ऐसे थोड़ा ही गिनती के बाद वो निकाल के ले गया होगा, नॉर्मल सी बात है, ओनर हैज विथड्रॉन गुड्स कॉस्टिंग दिस फॉर पर्सनल यूज, सारे साल के दौरान इस्तेमाल करता रहा होगा चीजें, तो भाई उसको हमने स्टॉक में तो नहीं ना लेना, ठीक है, स्टॉक में तो पड़ी नहीं हो तो ड्रॉइंग्स करके घर ले गया था, क्लियर है बात। जैसे इसको देखो, आपने कहा 3700 की गुड्स आई नहीं है, परचेज रिकॉर्ड कर लिया है, हमने परचेज रिवर्स की थी तो स्टॉक को क्यों नहीं छेड़ा था आपने यहाँ पर, तो यहाँ भी वही कर रहे हैं ना चंदा, यहाँ पे भी स्टॉक को क्यों नहीं छेड़ा था, गिनती किया है, जब वो आई नहीं है तो स्टॉक में पड़ी नहीं है, जब पड़ी नहीं है तो फिर काउंट भी नहीं हुई, तो इसलिए सिर्फ परचेज का इंपैक्ट लिया था यहाँ पे 3.7। ऐसे ही यहाँ पर गुड्स चली गई हैं ओनर के घर तो क्लोजिंग स्टॉक में कैसे पड़ी हो, जब गिनती से गिनेंगे तो वहां पड़ी नहीं है, वो आई नहीं थी तो क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है, और ये निकल के चली गई है ईयर एंड पे क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है, जब क्लोजिंग स्टॉक में नहीं है तो फिर गिनती से आई भी नहीं होगी, तो सिर्फ परचेज को ही एडजस्ट करना, क्लियर है ये बात। कितने बच्चों को ये बात पहले भी लग रही थी कैसे होना चाहिए, अच्छा बाकी कितने बच्चों ने सवाल को कंप्लीट किया है, माशाल्लाह, बाकी बच्चे क्या करते रहे हैं जी, हैं ठीक है जी, ये सोने से आंख खुलेगी तब जब आईकैप का नंबरों वाला मैसेज आएगा, ठीक है ना। कितने बच्चों ने होमवर्क अटेम्प्ट किया हुआ है, जरा हाथ खड़ा करें, होमवर्क अटेम्प्ट किया हुआ, कितनों ने नहीं किया हुआ, कितनों ने हाथ ऊंचे खड़े करें, अब हाथ ऊंचे खड़े करें, ऊंचे मैं चेक करने आ रहा हूं, कुछ बच्चों ने दोनों जगह पे हाथ नहीं खड़ा किया, अटेम्प्ट अटेम्प्ट, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया होमवर्क, हाथ खड़े रखें, क्यों नहीं किया जी, और जी और इधर, हाँ हाँ एमसीक्यूज कर रहा था, क्या लेक्चर क्या बाकी था, अच्छा जी भाई ये सही है, चलें आगे, अच्छा अच्छा आप एक बात सुनो, साथ ही ना इस एडजस्टमेंट को जरा दोबारा देख लो, बातें मत करो बेटा, एडजस्टमेंट फाइव को दोबारा देख लेते हैं, एडजस्टमेंट फाइव की रेक्टिफाइंग एंट्री डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, रिपेयर एक्सपेंस डेबिट होना था और परचेज क्रेडिट होना था, ठीक है, वो नहीं किया हुआ था तो हमने कहा कर लो, ऐसे ही है, तो ये एडजस्टमेंट फाइव रिपेयर एक्सपेंस डेबिट और परचेजेस क्रेडिट की थी हमने, लेकिन मसला ये है कि दिस एंट्री इज ऑलवेज पास्ट विद कॉस्ट, ठीक है। अब इस एडजस्टमेंट फाइव के अंदर गुड्स की सेल वैल्यू गिवन थी, तो मार्कअप मार्जिन को रिवाइज करेंगे आज थोड़ा सा, लेकिन पहले जरा इस सवाल की बात तो एटलीस्ट कर लेना, ठीक है, मार्कअप या मार्जिन की रिवीजन है तो छोटी छोटी एग्जाम्पल्स तो तीन चार करेंगे ही, लेकिन उससे पहले जरा इस सवाल के ऊपर ही अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्या ख्याल है, उसूल क्या है, सबसे पहले हम बनाया करेंगे इक्वेजन, सिंपल इक्वेजन, कौन सी, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, किसी भी बच्चे को आप पकड़ के समझाएं ना ये बात, उसको भी समझ आ जाएगी कि 100 रुपए की एक चीज़ पड़े और वो हम 120 की बेचें तो उसमें 20 हमारा प्रॉफिट है, तो 100 जमा 20 120 बन जाता है। बहरहाल इक्वेजन बनानी है जो स्टेप वन में, उसके लिए आपको बचपन उस्तादों ने पढ़ाया होगा कि जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड है, जिसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज लिंक्ड है उसे 100 अज्यूम कर लें, ओके, उसे 100 अज्यूम करें, ये मैंने पता नहीं छोटा लिख दिया है, जो भी है आपको नजर नहीं आ रहा तो सुनाई तो दे रहा है, तो आप लिख लें जो मैंने बोला कि जिसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज लिंक्ड है उसे 100 अज्यूम कर लें, उसे 100 अज्यूम करें,
यानी कभी वो कॉस्ट के साथ प्रॉफिट दे देगा, कहेगा जी ये प्रॉफिट इज 25% ऑफ कॉस्ट, या कह देगा इट इज कॉस्ट प्लस 20% मिसाल के तौर पे। अभी दिखाता हूँ सारी एग्जांपल्स। तो किसी भी तरह से नजर आ रहा हो कि प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड है कॉस्ट से, तो फिर हम कॉस्ट को 100 अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, अभी मार्केट मार्जिन की रिवीजन कराता हूँ, तो फिर दोनों तरह की चीजें दिखाता हूँ। इसमें तो कॉस्ट के साथ लिंक्ड है कि नहीं है, चेक करो इधर। गुड्स आर सोल्ड एट एट कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑफ 25%, तो प्रॉफिट परसेंटेज किसके साथ लिंक्ड है? ये सेल के साथ भी हो सकती है, अभी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्लस 25% कह रहे हैं ना, तो 100 किसको अज्यूम करो? कॉस्ट को। प्रॉफिट कितना है? 25। अब सेल कितनी होगी? इन दोनों का एडिशन 125। तो स्टेप वन में इक्वेशन बनाया करते हैं, ठीक है। स्टेप टू, यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड अमाउंट, टू कैलकुलेट रिक्वायर्ड अमाउंट, ठीक है जी। ये दूसरा स्टेप होता था, और फॉर्मूला कौन सा है? रिक्वायर्ड अमाउंट निकालनी है जी। फॉर्मूला था हमारा गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट। ये सवाल पूरा करके ना, फिर इंशाल्लाह थोड़ी सी रिवीजन इसकी करते हैं, ठीक है। ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करना है। अब मुझे बताओ सवाल में हमें क्या गिवन है? इधर देखो, सवाल में हमें क्या गिवन है? सेल वैल्यू, और हमें क्या चाहिए? कॉस्ट, ताकि ये एंट्री हम कॉस्ट से पास करें। समझ रहे हो? सवाल में क्या गिवन है? सेल वैल्यू, हमें क्या चाहिए? कॉस्ट। तो गिवन इज सेल, रिक्वायर्ड इज कॉस्ट, रिक्वायर्ड अमाउंट क्या है जी? कॉस्ट। गिवन क्या है? सेल। सेल वैल्यू गिवन है ना, कितनी गिवन है सेल वैल्यू सवाल में? 4500। तो गिवन अमाउंट इज 4500। इस गिवन अमाउंट की परसेंटेज अपनी इक्वेशन में देखो, 100 है, 100 है, 100 तो कॉस्ट की परसेंटेज है। ये बेसिकली हमने ना परसेंटेज के अंदर ये बनाई होती है इक्वेशन, ठीक है ना। तो 100% कॉस्ट की है, अज्यूम की थी, याद है। सेल की परसेंटेज कितनी है? 125। तो गिवन चाहिए क्या हमें? कॉस्ट। गिवन क्या है? सेल। इस गिवन अमाउंट की परसेंटेज इस इक्वेशन में देखें तो कितनी है? 125 डिवाइड बाय 125 करें। रिक्वायर्ड क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट की परसेंटेज इधर देखो क्या है? 100। यूनिटरी मेथड है बेसिकली, लेकिन बस हमने फॉर्मूला बना लिया। यूनिटरी मेथड थोड़ी है कि इतने हो तो ये होगा, फिर एक हो तो ये होगा, फिर इतने हो तो कौन करे भाई। फॉर्मूला याद किया था इंट्रो के अंदर आप लोगों ने, ठीक है ना, वही यूज कर रहे हैं। तो बताओ भाई कॉस्ट कितनी? 3600। अब इस अमाउंट से हमने एंट्री पास की थी कल, 3.6 बोलेंगे ना, जैसे ये 4.68 है, 1000 में चल रहे थे ना, बोलो। तो ये हमने क्या किया जी, 3.6 से ये एंट्री पास की थी, ठीक है, सही है ना। अब ये इसमें से दो एग्जांपल्स आ गई, एक में गिवन ही कॉस्ट थी, उसी से एंट्री कर ली, लेकिन मसला ये कि एंट्री करनी हमेशा कॉस्ट से है, क्योंकि अपने आप को चीज बेच के उससे प्रॉफिट ना, अपने आप से प्रॉफिट नहीं कमा लेना, ठीक है ना। तो जहां तो कॉस्ट गिवन थी उसी से एंट्री कर दी, और जहां सेल वैल्यू गिवन थी और मार्कअप मार्जिन सवाल में गिवन था, हमने कॉस्ट खुद निकाल ली। ऐसा भी हो सकता था कि वो सेल भी अलग देता था, कॉस्ट भी अलग देता था, खुद ही निकाल कर, तब भी सेल को इग्नोर करते, कॉस्ट से ही एंट्री पास करते। क्लियर है? सही है ये बात। अच्छा, अब अगली बात देखो, इस रेक्टिफाइंग एंट्री में दोनों एंड ही प्रॉफिट एंड लॉस को हिट कर रहे थे, ठीक है ना। तो फिर रिपेयर एक्सपेंस भी और परचेज भी, दोनों का इंपैक्ट देखना है। परचेज जीपी से ऊपर आता है और रिपेयर एक्सपेंस जीपी से नीचे आता है। तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट बढ़ रहा है, कम हो रहा है? डेबिट बढ़ रहा है। रिपेयर एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, बढ़ रहा है। एक्सपेंस का बढ़ना, ये नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जीपी से नीचे है। तो रेंट एक्सपेंस, ये रिपेयर एक्सपेंस का बढ़ना नेट प्रॉफिट को, तो यहां पे कहीं पे ये रिपेयर एक्सपेंस क्या हुआ? लेस 3.6, ये किया था। नेक्स्ट परचेज भी तो एक्सपेंस ही है, और ये क्या हो रहा है? क्रेडिट मतलब कम, और ये जीपी से ऊपर की बात है, तो ये जीपी को इंपैक्ट डालेगा, ठीक है। तो 3.6 से परचेजेस हुई कम, एक्सपेंस हुआ कम, तो जीपी गया बढ़, 3.6 से ऐड कर दिया था हमने, ठीक है ना। रिपेयर एक्सपेंस जो भी अंग्रेजी लिखने वाला, एडजस्टमेंट लिखना इधर काफी होता है, ठीक है ना। तो भाई तुमने यहाँ पे एडजस्टमेंट 5 क्यों नहीं लिखा है? मैंने लिखा था, ठीक है जी, सही हो गया। चले, ये मैंने कहा जरा ये भी रिवाइज कर लें, ताकि ये कॉन्सेप्ट जरा हो जाए और मार्कअप मार्जिन की बुनियाद पड़ जाए। अब 3-4 सवाल उसके रिवाइज करके फटाफट उसको भी साइड पे कर देंगे, फिर उसके बाद देखते हैं अगला सवाल। टेस्ट की बजाय मैं शायद स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स पे चला जाऊँ, उसमें यह है कि जरा बैड डाउटफुल डेट की रिवीजन हो जाएगी अगर टाइम इतना हुआ तो, ठीक है ना। फिर इंशाल्लाह कल टेस्ट का सवाल सॉल्व करवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। ओके, क्या रह गया? बस एक ही रह गई है, एडजस्टमेंट 8 रह गई है, ऐसे ही है। चलो, अब मैंने कहा था कि मुसीबत में मत पड़ना, अगर एंट्री बगैर काम चले इंपैक्ट वाले क्वेश्चन में तो बगैर काम चला लेना, ठीक है ना। एंट्री करना चाहो तो इसकी भी हो सकती है, ये एडजस्टमेंट 8 की, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि जैसे आपको इंक्रीज डिक्रीज से कहा था वैसे कर लो,
ठीक है, जरा देख लेते हैं होना क्या है। परचेज रिटर्न थी, गलती से सेल रिटर्न होगी, तो अलग अलग करके सोचो कि परचेज रिटर्न जो है वो रिकॉर्ड होनी थी, नहीं हुई ना, बोलो कितनी थी, 67। इधर देखो सारे, परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड करना था, नहीं किया, बोलो नहीं किया, तो बढ़ा लो। अब जैसे ही परचेज रिटर्न बढ़ेगी, ये दोनों ही चीजें जीपी से ऊपर है, अब जरा ध्यान से सोचना है, परचेज रिटर्न इज कॉन्ट्रा परचेज, परचेज रिटर्न इज कॉन्ट्रा परचेज, यही बात है ना। तो परचेज रिटर्न का बढ़ना दरअसल परचेज की कमी है, परचेज रिटर्न का बढ़ना परचेज की, बोलो परचेज रिटर्न का बढ़ना मींस परचेजेस कम हो गई, चीजें वापस कर दी ना, वो हमारा एक्सपेंस नहीं बना, कैसे सोच लेंगे। तो परचेज रिटर्न का बढ़ना परचेज की कमी है, तो यूं समझो कि 6700 से परचेज कम हुई, कह सकता हूं ये लिखा मैंने यहां पे परचेज रिटर्न का बढ़ना ही है, लेकिन साथ ही लिख लिया ये कॉन्ट्रा परचेज है, और सोचूंगा परचेज से, ठीक है। परचेज रिटर्न का बढ़ना परचेज की कमी, परचेज क्या है एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या हो रहा है कम, तो फिर जीपी बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको इस तरह सोचना नहीं है, सोचना ऐसे इजी रहोगे, सोच तो वैसे भी सकते हैं, कहो तो सोच लेते हैं, मैं सोच लेते हैं, चलो परचेज रिटर्न बढ़ गई, परचेज रिटर्न का बढ़ना परचेज की कमी, परचेज की कमी प्रॉफिट का बढ़ना, तो अल्टीमेटली पॉइंट तो वही रहे हैं, लेकिन दो एंड से ना सोचो, आसान क्या है, वैसे बंदा भूल भी सकता है। परचेज रिटर्न है ना, बढ़ना कम होना छोड़ो, ये ध्यान में रखो, दिस इज कॉन्ट्रा परचेज। अब परचेज रिटर्न बढ़ी है मतलब परचेज कम हुई है, बस अब इसको छुपा लो, परचेज का कम होना, एक्सपेंस का कम होना जीपी को बढ़ाएगा। तो 6700 से आपने एड किया यहां पर एडजस्टमेंट नंबर, ठहर जा यार रॉन्ग एंट्री बता देता हूं, वैसे रॉन्ग एंट्री रिक्वायर्ड है, मैंने कहा नहीं करनी तो नहीं करनी जी, नंबर 8 कॉन्सेप्ट में क्लियर करता हूं मैं, ठीक है जी। परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड, ठीक है जी, 6.7 ठीक हो गया। अब दूसरी बात भी सोचो, ये परचेज रिटर्न थी जो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, बल्कि गलती से सेल रिटर्न रिकॉर्ड हो गई थी, और सेल रिटर्न को अब सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, बोलो सेल रिटर्न को 6700 से कम करना है, ये तो मसला है। अब सेल रिटर्न इज कॉन्ट्रा सेल, सेल रिटर्न इज कॉन्ट्रा सेल, तो सेल रिटर्न कम हो रही है मतलब सेल बढ़ रही है, सेल रिटर्न कम हो रही है मतलब सेल बढ़ रही है, इज इट सो, सेल रिटर्न कम हो रही है, यही तो मसला था, इसलिए तो कहा कॉन्ट्रा करके सोचना, यहां पे सोच के लाया, सेल रिटर्न का कम होना मतलब सेल का बढ़ना है, ये जैसे मर्जी सोच लो। मिसाल के तौर पे सेल्स थी 1000 रुपए और सेल रिटर्न है 10 रुपए, ठीक है, तो नेट सेल्स कितनी आ रही है 990, ठीक है। आप कहते हो जी सेल रिटर्न को कर दो 5, ये कितना हो जाएगा, हैंस प्रूव सेल रिटर्न का कम होना सेल का बढ़ना है, भाई क्या हो गया, कॉन्ट्रा जो है, कॉन्ट्रा का मतलब क्या होता है, उलट, तो मत सोचो ना, इतना सादा बात है, सेल रिटर्न मींस कॉन्ट्रा सेल, ठीक है ना, यानी सेल रिटर्न का बढ़ना सेल की कमी होता है, तो सेल रिटर्न का कम होना फिर सेल का बढ़ना होगा ना, इसलिए कहा था ऐसे सोच लो एंट्री वाले, फिलहाल ये तो कर लो, एंट्री पूछ रहा था जी, तो सेल रिटर्न कम करेंगे, सही करने के लिए सेल रिटर्न कम करेंगे, तो इसका मतलब सेल ने बढ़ना है, ठीक है, इसको छुपा लो, सेल क्या हो रही है, बढ़ रही है, सेल का बढ़ना प्रॉफिट को बढ़ा देगा, लो भाई जीपी पे इंपैक्ट डबल ही, ठीक है ना। और यूं समझो ना कि एक चीज थी जिसको आपने एक्सपेंस को कम करना था, वो एक्सपेंस कम करने की बजाय उल्टा इनकम कम कर ली, अब एक तो एक्सपेंस ने बढ़ना है और दूसरा इनकम ने कम होना है, सॉरी एक तो एक्सपेंस ने कम होना है दूसरा उस इनकम ने बढ़ना है, तो दोनों तरफ ही जीपी पे पॉजिटिव इंपैक्ट आना था, तो एड अगेन एडजस्टमेंट 8 और ये है सेल रिटर्न रिवर्स, देखो ना एक एक्सपेंस नेचर की चीज रिवर्स हो रही है, सेल रिटर्न सेल की कमी है ना, एक्सपेंस नेचर की चीज रिवर्स हो रही है तो उससे प्रॉफिट बढ़ेगा, ऐसे ही है कि नहीं, और एक एक्सपेंस नेचर की चीज नहीं है, ये इनकम है, परचेज रिटर्न एक्सपेंस की कमी है, ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो दोनों के इसमें फिर 6.7 ऐड ही होना था, ये बात समझ आ गई होगी, इतना मत सोचो, सादा बात, परचेज रिटर्न इज कॉन्ट्रा परचेज, ठीक है, परचेज रिटर्न बढ़ने का मतलब परचेज की कमी है, सादा रखो बात, परचेज की कमी परचेज एंड एक्सपेंस, परचेज की कमी एसेट को प्रॉफिट को बढ़ा दे, ठीक हो गया डन। 6700 से हमने क्या किया, जीपी को बढ़ा दिया, अब आ गया है, और जो सेल रिटर्न गलत रिकॉर्ड हुई है उसको रिवर्स करना है, तो सेल रिटर्न होगी कम, प्रूफ मैंने करके मिटा दिया है, कौन सोचे बच्चे में इतना, इतना तो बस ब्रेन के अंदर है ना कि सेल रिटर्न इज कॉन्ट्रा सेल, तो सेल रिटर्न का कम होना मींस सेल का बढ़ना, सेल का बढ़ना मींस जीपी का बढ़ना, तो दोनों ही अब घर पे बैठ के चाहे लाख बार सोचते रहो ये दोनों ने ऐड ही होने, ठीक है, और सही है, ये रुपीज इन 1000 मैंने मिटा दिया माजरत भाई, ठीक है, और सवाल खत्म हो गया। 850 से चलकर यहां तक आओ, ये सारे जरा ध्यान से एक दफा जरा सारे मिलके कर लें, कुछ चीज छोड़ी तो नहीं थी आपने भाई, नहीं, सारी है, ये सारी एडजस्टमेंट आ गई है, तो लिखो 850 सब लिख लो एक बार, प्लस 3.7
प्लस 3.7 सबसे अहम बात होने लगी है, क्योंकि यहां पर सोल्यूशन और हम डिफरेंट तरीके से चल रहे थे ना, ठीक है। ये रहा टोटल, करो हमने अच्छा आप देखो इन टोटल जीपी पे इन सब एडजस्टमेंट्स का क्या असर पड़ा। हमारा जीपी 850 से एडजस्टमेंट के बाद, ये एडजस्टेड जीपी है, करेक्टेड जीपी जो रिक्वायर्ड था, ये रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है ना। अच्छा तो 850 सारी एडजस्टमेंट करने के बाद हमारा जीपी एडजस्ट होकर 890 यानी 850 से बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 40.08 से इंक्रीज हुआ है जीपी, ठीक है ना। जीपी इंक्रीज हुआ इन टोटल, तो एक ही बार यहां पर आकर लिखो एड जीपी इंपैक्ट ऑन एम जीपी इंपैक्ट ऑन नेट प्रॉफिट, ठीक है। वो कैसे निकाला हमने? 890.08 माइनस 850। हमने कहा कि जी 850 से 890 पहुंचा है, तो ये इंपैक्ट आपको बताया था, ये इंपैक्ट जीपी का इंपैक्ट, आपको पता है जीपी का इंपैक्ट नीचे नेट प्रॉफिट पे भी पड़ता ही है, पहले कल ही बता दिया था मैंने, ठीक है ना। तो कितना आ गया जी आंसर? 40.08। अब जरा चेक करना इधर, 460 कैलकुलेटर में लिखो, प्लस 2 प्लस 2 माइनस 1.15 माइनस 3.6 माइनस 7.875 माइनस 2 प्लस 40.08 पॉइंट बस 55। अगर चेक कर लो सॉल्यूशन, कौन सा सवाल है ये? ये जी 890.08 सही है, और ये है 487.455, दोनों सेम है, ठीक है। अब यहां पर आपको पता है कि इन्होंने क्या किया हुआ है, तो ये थाउजेंड छोड़ो, इन्होंने डबल डबल इंपैक्ट साथ साथ लिया, जैसे 3.7 का इंपैक्ट इधर पड़ा तो इधर भी पड़ा। लेकिन फिर मसला मैंने आपको बताया था क्या होता है, मसला ये होता है कि जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये इधर इंपैक्ट आया, यहां क्यों नहीं आया? क्योंकि यहां पर वो कैंसिल हो गया था, याद है कल बताया था, तो बच्चा यहां पे आकर कंफ्यूज हो गया यार ये क्या बात हुई, ठीक है ना। तो हमने बहरहाल एक अच्छे तरीके से सुकून से तसल्ली से काम कर लिया, ठीक है ना। अच्छा जो सिब्बी था ना, सिब्बी कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया? सिब्बी जरा आसान था इससे, उसकी वजह यह है कि सिब्बी में सिर्फ जीपी के ऊपर इंपैक्ट मांगा था, तो जो नेट प्रॉफिट के आगे जीपी से आगे वाली चीजें हैं उनको जस्ट इग्नोर करके भी काम किया जा सकता था, ठीक है। चलो मार्कअप मार्जिन की थोड़ी सी रिवीजन अब कर लें भाई, ये लिखते रहा करो कोई और टीए को दे दिया करो, तरतीब क्या रही, ठीक है ना। जैसे नंबर वन पे आप किसी साइड पे लिख लिया करो, मेरे लिए को एक बच्चा साइड पे लिख लिया करो। जैसे हमने सबसे पहला काम किया कि कंप्लीटेड पास्ट पेपर 14, अब 2 जो है वो लिखो मार्कअप मार्जिन रिवीजन। मैं जरा को हैंड आउट ढूंढ लूँ पिछली दफा के लेक्चर नोट्स में से निकालता हूँ, जाके देखें आप भी। ये देखो FR1, मैंने FR1 का फोल्डर खोला, लेक्चर नोट्स सिंगल एंट्री जो कि अब नहीं है, आई थिंक इसमें होगा। हाँ जी भाईजान, और नहीं है तो मतलब ये वो बात भी, मैंने कहा नहीं है कहता खत्म हो गया, हाँ खत्म हो गया तो नहीं है ना, खाम खा बात करनी होती है। वो तो है भाई, दम खाम बढ़ गया उसका तो। ओके व्हाट इज दिस भाई, ये किसी ने लेनी है पिक्चर तो ले ले भाई, मेरा ये दोस्त में डालने लगा, वरना जिसने खुद लिखा वो खुद मिटाएगा, कह रहा मैं खुद लिख रहा हूं, मैं क्यों मिटाऊं अभी, जल्दी कर ले यार, फिर जल्दी कर ले। ये सब जरूर इसको पिक्चर ले ले इसकी, क्योंकि आपको नजर आ गया बुक के अंदर सोल्यूशन और तरतीब पे, ठीक है। तो फिर मिटा दो, उधर से मिटाना शुरू करो, क्योंकि वो अच्छा उधर से ना बात सुनो, परला कोना छोड़ दो बस, वो छोड़ दो, हाँ उधर मार्कअप मार्जिन की रिविजन है ना, तो वही हम शुरू कर रहे हैं। 10 मिनट लगेंगे भाई, दूसरा पॉइंट बनाओ मार्कअप मार्जिन रिविजन। ये जितने सवाल इसमें से कराऊंगा ना फिलहाल 4-5, वो मैं हैंडआउट में डाल दूंगा, कोई और करवाने हुए तो फिर वो मजीद डाल लेंगे हम, ठीक है। ये सारा मिटाते हो भाई। अच्छा जी उसूल मैंने आपको सिखा दिया है मार्कअप मार्जिन के लिए, उसूल क्या है भाई बताओ मार्कअप मार्जिन के लिए, उसूल क्या है? दो
दो नुकाती एजेंडा होता है वहां पे उस मार्कअप मार्जिन निकालते हुए. पहला काम सारा मिटा दे भाई, पहला काम सारा मिटा देनी है. पहला काम इक्वेशन बनाएंगे और जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड है उससे 100 ज्यूम करेंगे. और दूसरी चीज फॉर्मूला यूज करेंगे, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज, और इससे हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगी. ठीक है, वो दोनों स्टेप्स वहां लिखे हुए हैं. यहां से सवाल पढ़ना शुरू करते हैं. रिवीजन ऑफ मार्कअप मार्जिन बाय फॉलोइंग एग्जांपल्स. ये एफएआर तो देखो क्या लिखा हुआ है, रिवीजन ऑफ सम यूजफुल कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग. यानी ये अकाउंटिंग में आप पढ़ के आए हैं, मुझे अच्छी तरह पता है. मोस्टली बच्चे मेरे बैठे हैं इन्वेंट्री के टॉपिक में, यही वाले सवाल यहां से उठा के मैंने वहां कराए थे. तो अब वहां से उठा के इधर नहीं ला रहे, ये यहीं पड़े हुए हैं. ठीक है, हाँ जी, ठीक है ना. तो ये यहीं पड़े हुए, ये यहीं से गए थे आपको उधर हेलो हाय कहने के. आप आ रहे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, तो आप आ गए हैं. ओके, अच्छा जी, रिवीजन ऑफ मार्कअप मार्जिन. अच्छा जी, ये मैंने आपको कहा कि जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड हो. अब कॉस्ट के साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड थी हमारे सवाल में, ये बात कैसे कैसे पर्चे में लिख सकता है. पहली एग्जांपल में सिर्फ वही बात लिखी हुई है, पढ़ो. कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 8 लाख, ये कॉस्ट गिवन है सवाल में, और रिक्वायर्ड सेल्स है. ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 8 लाख, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट. मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ, ये देखो, गुड्स आर सोल्ड एट 20% ऑन कॉस्ट. देखो 20% ऑन किसके साथ जोड़ा उसने, कॉस्ट के साथ. ये बात ऐसे भी लिखी हो सकती है, गुड्स आर सोल्ड एट 20% अबव कॉस्ट, अगेन कॉस्ट के साथ ही जोड़ा उसने. सेल्स आर मेड एट कॉस्ट प्लस 20%, ठीक है जी. या गुड्स आर सोल्ड एट अ मार्कअप ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, या 20% ऑन कॉस्ट ऑफ सेल. ठीक है, तो हर जगह पे आपको नजर आ रहा है किसी न किसी तरह से उसने अंग्रेजी में प्रॉफिट को कॉस्ट के साथ लिंक किया. ठीक है ना, इसको मार्कअप भी कहते हैं. कोई एक याद रख लो, दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है. अगर मार्कअप लिखा हो तो मार्कअप का मतलब होता है ऑन कॉस्ट. तो आखिरी बात ये भी लिख दी हमने, गुड्स आर सोल्ड एट 20% मार्कअप. सिर्फ लव्ज मार्कअप लिखा हो उसका मतलब होता है ऑन कॉस्ट. सिर्फ सिर्फ मार्कअप लिखा हो तो आप अपने पास रजिस्टर पे आपने लिख भी लिया होगा, मुझे पता है आपने हेडिंग बनाई होगी, मुझे पता है रिवीजन ऑफ मार्कअप मार्जिन. उसमें आपने साइड पे करके एक स्टार लगाया होगा और लिख लिया होगा मार्कअप मींस ऑन कॉस्ट. यानी अगर सिर्फ मार्कअप लिखा होगा तो मतलब ऑन कॉस्ट है, यानी कॉस्ट के साथ परसेंटेज लिंक्ड है. तो फिर जो इसके अलावा लव्ज आएगा फिर वो सेल के साथ लिंक्ड होगा. ठीक है ना, याद यूज नहीं करना कि मार्जिन मतलब सेल होता है. अच्छा भाई सही है, मार्कअप मींस ऑन कॉस्ट. ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ये सब दोनों के अंदर बात वही है कि प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड है किसके साथ, कॉस्ट के साथ. ठीक है जी, अब जरा आमिर भाई उस तरफ लेके जाएंगे कैमरे को, और वहां पे हमें वो दूर जरा लिख दिया था मैंने, उसूल नजर आएंगे. सबसे पहला काम क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, और इक्वेशन बनाते हुए जिसके साथ प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड है उसे 100 ज्यूम करके इक्वेशन बना लेनी है. और स्टेप टू में फॉर्मूला यूज करना है, गिवन अमाउंट ओवर गिवन अमाउंट परसेंटेज इनटू रिक्वायर्ड अमाउंट परसेंटेज वाला, और अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट निकाल लेनी है. ठीक है, ये जो बच्चे ऑनलाइन वाले उन्होंने पहले नोट कर लिया होगा, नहीं किया था तो आप पॉज करके नोट कर लेंगे, और आप लोगों के सामने तो उस बोर्ड की उस साइड पे रहेगा ही, ये ले आएंगे. अब हमें रिक्वायरमेंट, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है, सेल कैलकुलेट कर दो, और सवाल में दे रहा है कॉस्ट. हम तो अपने स्टेप्स के हिसाब से चलेंगे. स्टेप वन, हमने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल. अब इस सवाल के अंदर परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट किसके साथ लिंक्ड है, कॉस्ट के साथ, तो 100 कॉस्ट को अज्यूम करो. प्रॉफिट कितना है, 20%, तो फिर इसका मतलब 100 वाली चीज पे अगर 20 कमाना है तो फिर ये 120 की बेचनी पड़ेगी ना. ये हमारी इक्वेशन बन गई स्टेप वन. 100 अज्यूम किसको किया, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट की परसेंटेज लिंक्ड थी कॉस्ट के साथ. ठीक हो गया. स्टेप टू में मैंने आपको कहा था आपका फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला क्या है, जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड है, हमें सवाल के अंदर रिक्वायर्ड क्या है, कॉस्ट या सेल, सेल, सेल हमें रिक्वायर्ड है, और गिवन है हमें कॉस्ट कितनी, 8 लाख. ये देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 800,000, तो गिवन क्या है, कॉस्ट, रिक्वायर्ड क्या है, सेल. अब ये परसेंटेजेस ही हैं ऊपर, ठीक है ना. अब गिवन अमाउंट है कॉस्ट, तो गिवन अमाउंट की परसेंटेज यहां से क्या है, 100 डिवाइड किया 100 से, रिक्वायर्ड क्या है, सेल, सेल की परसेंटेज यहां क्या है, 120 into 120, आंसर इज 960,000. बात समझ में आ गई, बोलो याद आ गया. तो सेल गिवन हो कॉस्ट निकल सकती है, कॉस्ट गिवन हो सेल निकल सकती है. थोड़ी देर पहले बोर्ड की उस तरफ हमें भाई लेकर गए दोबारा कैमरे को, और आपकी सिर्फ नजरें उधर चली गई. थोड़ी देर पहले हमने सेल गिवन थी और कॉस्ट निकाली, उससे नजर आ रहा है सामने, सेल गिवन थी और गिवन अमाउंट सेल थी, और हमारे पिछले सवाल के एडजस्टमेंट निकाली थी हमने कॉस्ट लिंक्ड, वहां पे भी प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट के साथ ही थी. ठीक है ना, सेम
प्रॉफिट की परसेंटेज कॉस्ट के साथ ही लिंक्ड है, लेकिन इस सवाल में हमें सेल गिवन थी, हमने उससे कॉस्ट गिवन थी, उससे हमने सेल की फिगर निकाल ली और ठीक है। अच्छा मजे की बात बताऊं, कहीं यूज कर ही सकते हो करना चाहो तो, यहीं पर अगर मैं प्रॉफिट की फिगर निकालना चाहता ना तो वो भी निकल सकती थी, वो ऐसे ही बस ये एडिशनल है वैसे बात। चलो ब्लू मार्कर किधर गया, एडिशनल बातें आपको बताया हम ब्लू मार्कर से करते हैं ना, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि सवाल की रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन लेट्स से सवाल कहता प्रॉफिट निकाल दो, तो इनको पहले ये निकालते सेल, फिर इसको कॉस्ट से माइनस करते और फिर प्रॉफिट निकालते, तो इतना टाइम थोड़ा ही होता है, ये फॉर्मूला से डायरेक्ट भी निकल सकता था। कैसे? प्रॉफिट रिक्वायर्ड है, गिवन तो वही है कॉस्ट, इसकी परसेंटेज तो वही है 100, ठीक है ना, लेकिन हमें चाहिए क्या प्रॉफिट, उसकी परसेंटेज कितनी है, तो देखो कितना आ रहा है, देख 60 ही बनता था ना, तो ये भी निकल सकता था प्रॉफिट, लेकिन भाई ये सवाल में रिक्वायर्ड नहीं था। आपको मैंने ये बताया कि ये इतना खूबसूरत फॉर्मूला है कि हमें हर जगह हेल्प करेगा, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं थी, रिक्वायर्ड नहीं था ये, ठीक है। लेकिन ऐसे ही बातों बातों में सीख लिया हमने, ये भी कभी कभी काम आया तो याद करो वो मार्क मार्जिन वाइज ऐसे किया था ना आपको, हाँ अब याद आया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन कर दें जल्दी से, सेकंड कॉस्ट इज 50,000, गुड्स आर सोल्ड एट 30% अबव कॉस्ट, रिक्वायर्ड है सेल्स, जल्दी करें सेकंड। BRS की रिवीजन आज कर लें? Yes, चलो वो भी कर लेंगे, फिर आज रिवीजन ही करते हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी डेटर की, बैड डाउटफुल डेट की रिवीजन करते हैं 10-15 मिनट लगा के, थोड़ी सी कर लेते हैं BRS की रिवीजन, देखते हैं एक्रूअल की जरूरत पड़ी तो वो भी कर लेंगे, वैसे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां पड़ जाएगी एक्रूअल की रिवीजन की जरूरत वहां पे वो भी कर लेंगे, मसला क्या है, रिवीजन करने में तो अब 15-20 मिनट ही लगते हैं। आप कौन सा इंट्रो प्लस FAR1 वाले, मुसीबत पड़ी हो, मैंने उनको कर दिया जी संडे ऑन, नहीं मैंने कहा मैं 2 दिन असल ऑनलाइन क्लास मिल गई है ना, तो टाइम एक क्वेश्चन बन गया, मैंने कहा 2-2 क्लासेस हफ्ते को 2 रिकॉर्ड करके भेजूंगा, हफ्ते को सुनना इतवार को सुनना, और सोमवार को भी मैं सोच रहा हूँ 2 ही करूँ, उन्होंने कहूँगी सोमवार को ही दोनों सुन लेना उसमें जाहिर सी बात है हल्की आंच तो रखनी पड़ती है ना, एक तरफ इंट्रो के कोई छोटे कॉन्सेप्ट कोई टॉपिक्स करने पड़ेंगे ना, क्या करें, देखें 15 को लेक्चर तो वो ऑलरेडी आपसे पीछे हैं, 15-16 लेक्चर जिनमें उन्होंने पहले 12 के लेक्चर में बेसिक्स की, फिर 3-4 लेक्चर आपसे ज्यादा उन्होंने आगे 16 में लगाए, बल्कि इससे भी ज्यादा आगे चले गए, 2-2.5 दिन उन्होंने एक्रूअल के ऊपर भी लगाए हैं, तभी तो उनको बोरिंग कॉस्ट में इंटरेस्ट एक्सपेंस कैलकुलेट करना आया, वरना उनको क्या पता था ये क्या होता है, ठीक है ना। तो बहरहाल आप लोग तो वेव स्किल कर रहे हैं जी, सुकून से इंशाल्लाह, उम्मीद तो है 31 जनवरी तक, ±5 दिन रख लो, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन मेरा टारगेट तो यही है, कभी नहीं हुआ आज तक प्लस FAR1 में, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली हो जाता है काम, लेकिन जाहिर है कुछ नई चीज़ें हैं और मुझे तो पता है कि वो बच्चे को इतने दिन में पढ़ा देनी है, लेकिन बच्चे को हो सकता है लगे कि नहीं इतने दिन में नहीं, आप लोग अड़ भी तो जाते हैं, मैंने सोचा 10 दिन में IAS 8 करना है, आप 11-12 दिन लगा दें, तो ऐसे हो जाता है, प्लस माइनस 5 दिन में रखनी चाहिए। बहरहाल आप सही जा रहे हैं, आपको पता है वेटेज को भी देखा था हमने उस दिन, जितनी को वेटेज है उतने को हमने लेक्चर्स भी किए हुए हैं, तो हम बड़े रिलैक्स होकर चल रहे हैं, अराउंड 110 लेक्चर्स ही प्लान है मेरे अभी भी, अराउंड का मतलब +5 हो सकते हैं, माइनस तो इंशाल्लाह नहीं होने दूंगा मैं, चले +-5। अच्छा सुने जी सुने, वापस आए गप्पे बहुत लग गई, कॉस्ट गिवन है 50,000, गुड्स आर सोल्ड एट 30% अबव कॉस्ट, तो 100 किसको अज्यूम करोगे, कॉस्ट को, प्रॉफिट कितना है 30, तो फिर सेल कितनी आ गई 130। अब रिक्वायर्ड क्या है, अगेन सेल्स, गिवन क्या है कॉस्ट, तो 50,000 गिवन अमाउंट, इसकी परसेंटेज डिवाइड करो 100 से, सेल रिक्वायर्ड है इसकी परसेंटेज, आंसर इज 55,000, नाराज क्यों तो यार 65,000, ठीक है जी, कितने बच्चों ने सही निकाल लिया, किसकी गलती हुई थी, किससे गलती हो गई थी, गलती वाले कौन है बता दो ताकि पता लगे क्या गलती हो रही है, सबने सही कर लिया था, फ्रॉडी है, अच्छा जी फ्रॉडी और फ्रॉड ने सारे ही ऐसे मानते ही नहीं है जी। नंबर 3 करें जी सवाल, करें थर्ड कर दें, शाबाश शाबाश शाबाश, बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग, शाबाश,
ओ नहीं 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 सीधा हाथ पावर ऑफ थी जाके लगा यार, वैसे देखो किस्मत। थर्ड वन टू यार ये ना रोशनियां दे रहे में ना हो जाए, ऐसे कर लेते हैं। चेक करो, मैं पहले फर्मा बना लिया मैंने। अच्छा जल्दी करो जल्दी करो जल्दी आप करो, मैं सुकून से पढ़ा रहा हूँ लेकिन आपने जल्दी पढ़ना है। डन जल्दी करें, नजर तो आ रहा है। ओके, सेल गिवन है आज 30,000, और ये तो हमारे सवाल वाली एडजस्टमेंट बन गई। सेल गिवन है, कॉस्ट चाहिए। अभी जो टाइमथी में किया है, सेल वैल्यू गिवन थी, कॉस्ट निकाली थी, वही आ गया। ठीक है, देखो भाई क्या कहता है, गुड्स आर सोल्ड एट 10% मार्कअप। मैंने कहा था बस ये एक यही वाला याद रख लो, मार्कअप मीन्स कॉस्ट। तो कॉस्ट के साथ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लिंक्ड है, तो 100 कॉस्ट आ गई, और मार्कअप कितना है 10%, तो फिर 110 आ गया। अब रिक्वायरमेंट देखो, रिक्वायर्ड क्या है, कॉस्ट चाहिए। रिक्वायर्ड क्या है जी, कॉस्ट, जो कॉस्ट ऑफ सेल की बात होती है, ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड देख लिया करो, क्या चाहिए, कॉस्ट चाहिए, और गिवन क्या है, सेल कितनी है, 30,000 सेल गिवन है। ये गिवन अमाउंट सेल है, इसकी परसेंटेज है 110, रिक्वायर्ड कॉस्ट है उसकी परसेंटेज 100। ऐसे जवाब आ जाते होते हैं, कोई मसला नहीं है। कितने बच्चों ने, इसमें तो गलती हुई होगी, कितने बच्चों ने गलती की, हाथ खड़ा करें, गलती हो गई, क्या गलती हुई भाई? सेल के साथ नहीं लिंक्ड था, क्योंकि लिखवाया था मार्कअप मींस ऑन कॉस्ट, ठीक है ना। चलो सेल वाले भी आ गए, टेंशन न लो, वो पहले सवाल आप ही करोगे और गलत करोगे, फिर मैं सही कराऊंगा। वह सवाल नंबर 4। अच्छा, प्रॉफिट की परसेंटेज सेल के साथ लिंक्ड होगी तो इक्वेशन पहली बार बनेगी, इससे पहले नहीं बनी अभी हमारी इस आज की क्लास में। मैंने जो सवाल में एडजस्टमेंट कराई टाइमथी में, वो भी परसेंटेज कॉस्ट के साथ लिंक्ड थी, और इन तीनों एग्जाम्पल्स में भी परसेंटेज कॉस्ट के साथ ही लिंक्ड थी, ठीक है ना। इसलिए अब नया काम तो आप खुद करेंगे, लेकिन ये तरीका बता दिया आपको। प्रॉफिट की परसेंटेज अगर सेल के साथ लिंक होगी तो इक्वेशन में सेल को 100 अज्यूम करना है, बाकी आप फिर क्या करते हो पता नहीं, आप देख लेते हैं, 2 मिनट आपको दूंगा। लेकिन ये सेल के साथ लिंक हुआ, देखो इधर प्लीज, कैसे कैसे लिख सकता है पर्चे में, पहले ये पढ़ लें जरा। कॉस्ट ऑफ गुड्स इज 4,00,000 कॉस्ट गिवन है। सेल्स वर मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। हाँ भाई, 20% ऑन सेल हो गया लिंक, या यूं लिख दे ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑन सेल वैल्यू, यानी किसी भी तरह से वो सेल का लिंक कर रहा है। देयर वाज अ फिक्स्ड मार्जिन एज अ एट अ ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। सेल्स वर अफेक्टेड एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एट 20% ऑन सेल, या आखिर में मार्कअप मींस ऑन कॉस्ट होता है तो दूसरा जो भी आएगा वो ऑन सेल होगा, याद सिर्फ मार्कअप रखना है, ठीक है। ये ना पास पेपर के मुख्तलिफ सवालों के अंदर से कुछ उठा लिए गए थे जुमले, जब सिंगल एंट्री के अंदर ये मार्कअप मार्जिन यूज होता था, ठीक है ना। तो बहरहाल ये मुख्तलिफ तरीकों से वो लिखकर बता सकता है, इन सब केसेस के अंदर सिवाय मार्जिन के क्लियरली पता लग रहा है ऑन सेल है, और मार्जिन का तो हमें पता नहीं क्या है, हमें तो सिर्फ एक चीज का पता है, क्या भला, मार्कअप ऑन कॉस्ट होता है, फिर दूसरा ऑन सेल ही होना है। ये आवाज बीच में रुक तो नहीं ना रही, आ तो कॉन्स्टेंटली रही है ना स्पीकर से, बोलो रुक रही है तो बताओ ना यार, रुक के आ रही है आवाज, अभी जब अभी रुक गई है, अब फिर रुकी, अब आ रही। अच्छा भाई एक कह दें प्लीज, अगर ऐसे हो रहा हो ना आमिर भाई तो आपको पता लग रहा होता है, काइंडली आप ना कह दिया करें किसी को, आप बच्चों में से जो एंड पे बैठा हो या स्पीकर के अंदर ये इंटरप्शन हो, मुझे नहीं फील हो रहा, अगर तो आप काइंडली उसको फौरन खुद से सॉर्ट आउट किया करें, ये प्रॉब्लम है। आप सारी क्लास में मुंह उठा के बैठे रहते हैं यार, अजीब लोग हैं आप, अभी भी नहीं ना आ रही, तो ये चीज़ चल रही है तो उस मसले को हल करें, कभी आने लग जाती कभी नहीं, ये मसला हल होना चाहिए, ठीक है ना। आपकी क्लास में नहीं, बस ऐसे नहीं बोलना बेटा, आपको तरीका बता दिया, आप में से कोई एक बच्चा उठे और उठ के इनको कह दे या बाहर निकले किसी को कह दे खामोशी से, मुझे ना पता चले क्या स्पीकर पर मसला हो रहा है, आप उसको सही कर दें, मुझे ना पता चले, जैसे नहीं पता लग रहा था ना, मुझे ना पता लगे, अपना काम लेकिन करवाना होता है सही, अपना काम हो जाए। ओके ले जी, सवाल नंबर 4 है, करें 1 मिनट लगाएं, हाँ चले चले, बाकी भी लगा लें 1 मिनट।
मैं तो ऐसे ही करूँगा थोड़ी थोड़ी देर बाद, अगर आप लोग नहीं करोगे काम। सही चल रहा है, चल रहा है। ओके हाँ जी, कोई बच्चे हैं भी सवाल जो कर रहे हैं? इधर देख लीजिए आप सारे। कॉस्ट गिवन है, ठीक है जी। सेल्स वर मेड एट प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल। बाकी सब जुमलों का मतलब भी यही है, प्रॉफिट परसेंटेज लिंक्ड है सेल के साथ, ठीक है। तो 100 इस इक्वेशन में अज्यूम करोगे सेल को, प्रॉफिट कितना है? कितना? अब इधर देखो जरा, पहले भी यही कर रहे थे, 100 + 20 बैलेंसिंग फिगर सेल निकाल रहे थे, ठीक है ना। आज ये गिवन हो गया और ये गिवन हो गया, तो बैलेंसिंग किसको निकाल लोगे? कॉस्ट को। 80 वाली चीज पे 20 का प्रॉफिट हो तो 100 की बिक गई, बात समझे हो? ये काफी बच्चों ने ये गलत बनाई होगी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अच्छा चले, ठीक है, ओके, व्हाटएवर। नंबर 4, कैलकुलेट सेल्स, कैलकुलेट सेल्स। तो गिवन कॉस्ट है, रिक्वायर्ड सेल्स है। कॉस्ट कितनी गिवन है जी? 4 लाख, 4 लाख गिवन अमाउंट कॉस्ट है, इसकी परसेंटेज है तुसी, और सेल रिक्वायर्ड है, इसकी परसेंटेज है। आंसर एग्जैक्ट 5 लाख, ठीक हो गया। कितने बच्चों से गलती हुई? क्या गलती हुई? इक्वेशन गलत मान गई? चले कोई बात नहीं, मौका फिर दिया जिंदगी ने। क्वेश्चन नंबर 5 आप कर देंगे अब सही। अच्छा भाई, छत पे चढ़ जाओ। 5 भी करना है और 6 भी करना है, जल्दी से कर लें, बस इतनी ही रिवीजन होगी। बाकी अगर कभी जरूरत पड़ी तो, बेसिक नॉलेज अब आ गया मार्कअप मार्जिन का, इससे ज्यादा अगर जरूरत पड़ी तो फिर देखेंगे। तो आपने जो नोट कर रहे हैं ना मेरे लिए, उन्होंने लिखना है रिवीजन ऑफ मार्कअप मार्जिन 1, 2, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस, बस। डन? दोनों 6 भी हो गया, चाहे जिन्होंने 5th कर लिया और 6th भी कर लें। एक ही बार फिर मैं जल्दी से आंसर बता देता हूँ, जल्दी करें। डेटर बैड डाउटफुल डेट की रिवीजन भी करनी है, और सवाल तो फिर होमवर्क में चले गए ना, नए सवाल। लेकिन मेरा दिल है स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर बैड डाउटफुल डेट की रिवीजन होगी 10-2 मिनट में तो स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू कर देंगे। एग्रूवल की क्या करनी है तुमने रिवीजन? टाइम पे डिपेंड करता है, अब तो फिर चल रहा है, ये प्रॉब्लम पक्का पक्का हल होना चाहिए, ठीक है ना। खास तौर पे कभी इस तरफ मुँह करूँगा, इस तरफ बिल्कुल ही बंद नहीं हो रहा, देखा है? ऐसे ही करता है, देखो मिस्त्री के पास जाके ना चीज़ सही हो जाती है, जिस किसी को बुलाया ना सही करने के लिए, ये सही चलने लग जाता है। हालांकि थोड़ी देर पहले नहीं सही चल रहा था, ऐसे ही है ना। ये ना बैटरी डालना किसी स्टूडेंट को सिखा दें आप, तो हमारे पास एक बैटरी दे दिया करें क्लास के स्टार्ट में, अगर ऐसा मसला होगा तो हम। ओके, नंबर 5 जी बच्चों, नंबर 5 है कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट इज 40,000, गुड्स आर सोल्ड एट अ मार्जिन। मार्जिन पता नहीं ये क्या होता है, हमें तो पता है मार्कअप ऑन कॉस्ट होता है, तो मार्जिन ऑन सेल होगा, 25% मार्जिन है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज लिंक्ड विद सेल, तो सेल को ले लिया 100, प्रॉफिट कितना है? 25, तो बैलेंसिंग कॉस्ट 75 आ गई। अब गिवन क्या है हमें सवाल में? कॉस्ट गिवन है और रिक्वायर्ड क्या है? सेल। अच्छा पिछले में भी ऐसे ही था, खैर 40,000 कॉस्ट है और इसकी परसेंटेज 70, सेल रिक्वायर्ड है उसकी परसेंटेज, आंसर 3, 3, 3, 3। अच्छा ये तो बताओ ना कि टेट्रा क्या आ गया? 5 टेट्रा, अच्छा 3 बोला है, बड़ी अंग्रेजी आती है आपको। अगर 5 हो जाए तो, 6 हो जाए तो, 7 हो जाए तो, 9 हो जाए तो, 9 हो जाए तो, ओके नंबर 6 यार भाई सही है। कितने बच्चों का अभी भी गलत हुआ था? ये अभी भी गलत हुआ था, अब होना नहीं चाहिए था, इसलिए पिछला सवाल कर लिया था हमने। ओके ले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। हाँ जी, 6th, सेल प्राइस इज 1 लाख, यानी सेल गिवन है, गुड्स आर सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 30% ऑन सेल प्राइस।
सेल का 30%, 100 सेल 30 प्रॉफिट 70 कॉस्ट गिवन है हमें, सेल रिक्वायर्ड है हमें 6 क्वेश्चन में कॉस्ट, तो गिवन अमाउंट कितनी है जी 1 लाख गिवन अमाउंट, ये सेल है, इसकी परसेंटेज 100 है, कॉस्ट 70 है, 75,000 अच्छा अब ये कितने बच्चों से गलत हुआ जिस बात में आके बता दो, मान लो 2-3 तो होंगे ही, जल्दी में नहीं देखना, देखो सी गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है और बस ऐसे थोड़े थे कि एक जैसे ही 3 सवाल होने थे, एक ने तो डिफरेंट भी होना ही था, ठीक है ओके 70,000 डन जी। BRS को फिर देखते हैं किसी वक्त, फिलहाल मेरा दिल है बैड और फुड एक्ट की रिवीजन कर लो, इसके बाद फिर देख क्या बेटा बोल दे नहीं हुन बोलो, कंड पीछे गल्ला करते हो तुसी, हौसला करो ना, अच्छा जी कंध पीछे नहीं कंड पीछे ओके कंध और कांड में थोड़ा ही फर्क है, जैसे वो वाले भाई बैठे एंड पे उनकी कांड उनकी कंध अच्छा जी रिवीजन ऑफ बैड ऑर्डर डेड बाय फॉलिंग एग्जांपल, उम्मीद है ऐसे बात बन जाएगी हमारी, ठीक है ओके। फॉलोइंग इज द डाटा ऑफ अ बिजनेस फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ऑपरेशंस, या मैं सोच रहा हूँ कि इसको ना पहले इसको ना ऐसे करेंगे कि दूसरे साल में बिजनेस बंद करा दूंगा मैं, फिर ये एग्जांपल दोबारा करेंगे, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगने दो, बस यही रिवाइज कर लेते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल यूं समझो कि दूसरे साल में ऐसा कुछ नहीं होना जो आगे लिखा हुआ है, बल्कि दूसरे साल में बिजनेस बंद करके हम कहानी खत्म कर देंगे, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए फिर वापस आएंगे और कंटिन्यू करेंगे अगला साल बिजनेस, ठीक है ना। अच्छा फॉलोइंग द डेटा ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ बिजनेस सेल्स 10,000 कैश रिसीव 3,000, आगे हम देखो सेल्स 10,000 उधार पे हैं, तो बल्कि ऐसे किधर से शुरू करते हैं, ईयर वन डेटर का अकाउंट बनेगा और सेल उधार पे किए हैं हमने, अच्छा चूंकि पहला साल है तो ब्रॉड डाउन 0 है, ठीक है। अब सिंपल बेसिक बिल्कुल बेसिक, अब ये देखो आप लोगों ने बैड ऑफ डेट पढ़ा हुआ है, अब आप एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे कि कहीं स्पेसिफिक प्रोविजन और ये सारी बातें होंगी, ऐसा ना तो हम रिवाइज करते हुए देखेंगे और ना ही टेस्ट होगा, क्योंकि पूरा सवाल फुल फ्लेज बनना वो अब बैड ऑफ डेट हमारे सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ ये यूज़ होगा डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर, जैसे रेक्टिफिकेशन में यूज़ हो रहा है, जैसे IS-8 में यूज़ हो जाए, जैसे इनकम एक्सपेंडिचर के टॉपिक में यूज़ हो जाए, कैश फ्लो के टॉपिक में यूज़ हो जाए, तो जितना वो यूज़ इसका है उतना ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, जाहिर सी बात है उतना ही पढ़ना होता है, हमने ये लास्ट टाइम वाला हैंड आउट है FR1 का जिसके अंदर ये रिवीजन है, मैंने वहीं से निकाला, मैंने बनाया नहीं है, मैंने सोचा नहीं था कि ये रिवीजन करनी, मैंने सोचा था कि आज शायद टेस्ट का सवाल कर ले या स्काई वाला, लेकिन इस तरफ बात करना मुझे ज़्यादा मुनासिब लगा कि चलो ज़रा रिवीजन हो जाए, क्योंकि करेक्शन ऑफ एरर शुरू करने के बाद अंदाजा हुआ है कि करेक्शन ऑफ एरर इंट्रो में जो पढ़ा होता था वो ज़्यादा आसान होता था, ये रिवीजन नहीं करनी पड़ती थी जो अब कर रहे हैं, क्यों ये टॉपिक्स पढ़ते पढ़ते आते थे और फिर उन्हीं की करेक्शन कर रहे होते थे, अब वो जरा 2-2.5 महीने का बीच में ऐसा आ गया ना जिनमें पढ़ा भी हुआ है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले जरा थोड़ी सी रिवीजन कर लें, तो कल इन्वेंटरी की रिवीजन हम करने लग गए थे कि पीरियोडिक परपेचुअल सिस्टम होता है, पीरियोडिक में परचेज का अकाउंट बनता है, परपेचुअल में इन्वेंटरी का बनता है, परपेचुअल में ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होती, लेजर का ब्रॉड डाउन ओपनिंग और कैरी डाउन बैलेंसिंग निकालते हैं हम, जबकि पीरियोडिक में एंट्री होती है, ये बातें थोड़ी बहुत हमने याद की थी और एंट्रीज वगैरह देख ली थी, ठीक है ना, वैसे थोड़ी थोड़ी हमें रिवीजन करनी पड़ रही है, तो फिर हमने बैड ऑफ डेट की रिवीजन का सोच लिया आज, ठीक है ना, तो इसलिए जरा प्लान चूंकि चेंज होगा इसलिए मैं ये हैंड आउट बना दूंगा आपको। भारत सेल्स कितनी हुई जी 10,000 की, सवाल खामोश है बस क्रेडिट अज्यूम करें, नहीं खामोश पसंद आ रहा तो लिख लें क्रेडिट सेल्स, ठीक है डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट 10,000 से, ठीक है जी, और कैश कितना रिसीव हुआ, कैश डेबिट डेटर क्रेडिट 3,000 से और क्लोजिंग 7,000 रिसीवेबल है, ठीक है जी 7,000 क्या है रिसीवेबल है, ठीक है। नाउ इस साल में तो कुछ नहीं होना लेकिन चलो अगला साल जरा आमने सामने ना जरा बेहतरीन समझ आ जाती है बात, ओके ले भाई अब हमने इस साल एक बिजनेस शुरू किया और 10,000 उधार सेल्स की और 3,000 आ गए थे, 7,000 को देख देख के हम खुश हो रहे थे कि हमें हम सायों ने बताया तुम हो नए, तुम्हें नहीं पता इस मार्केट की नॉर्म का, 100 में से 10 तो आते ही नहीं,
दस ही है सवाल में देख लो ना, 10% ही है। अच्छा, 100 में से 10 तो आते ही नहीं, ठीक है। तो मतलब हमने कहा इसका मतलब फ्यूचर में हमें 7000 में से 7000 का जरा 10% लो, 700 मिलना ही नहीं फ्यूचर में हमें। 700 आने थे, 7000 आएंगे 6300, तो ज्यादा आने थे कम आएंगे तो नुकसान या फायदा? तो फ्यूचर का नुकसान है। स्टूडेंट ने कहा था फ्यूचर के नुकसान को तो आज ही रिकॉर्ड कर सकते हो, फ्यूचर लॉसेस को हम आज ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो फिर हमें जरूरत पेश आई थी, प्रोविजन अंदाजा लगाया और एक अंदाजे की बुनियाद पे एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हमने, ठीक है। और उसका नाम हमने रखा था अंदाजा फॉर शक वाले डेट्स, ठीक है जी, शक वाले डेट्स का अंदाजा। और इसमें उसूल ये था, अगर आपको याद हो, हम क्लोजिंग डेटर्स पर प्रोविजन का रेट लगाते थे, और भाई क्लोजिंग पे रेट लगेगा तो क्लोजिंग ही निकलेगा ना, ठीक है। तो इसलिए हम उसको फिर प्रोविजन का क्लोजिंग बना लेते थे। तो क्लोजिंग बैलेंस 7000 इंटू 10% 700, ठीक है जी। यानी कि क्लोजिंग डेटर्स पर प्रोविजन का रेट लगाते थे, और क्लोजिंग पे रेट लग के क्लोजिंग ही आता है, तो क्लोजिंग प्रोविजन बना लेते थे। कुछ कुछ बातें याद आ रही हैं। अब होता क्या था, हम ओपनिंग, तो भाई अभी पहला साल है, तो पिछले साल का तो कोई शक वाले नहीं पड़े हुए, पिछले साल तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो ब्रॉड डाउन क्या है, 0, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर बैड डेट एक्सपेंस, क्या है जी बैड डेट, ये हम निकाल, यहां से हमने निकाली बैलेंसिंग, और ये फिगर जाया करती थी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और डेटर्स जो हैं वो बैलेंस शीट के अंदर, कर लो गल, बड़ी जोर दी गल आई, कल कर लो यार, तुझे कर लो यार, छोड़ो, मैं ऐसे में कैसे कह रहा, फिर ऐसे क्या फौरन बात करता, कर लो यार, जरूरी बात है, इसी की बात करनी है, अच्छा चल ठीक है। बैलेंस शीट में डेटर्स ने नेट ऑफ प्रोविजन शो होना होता था, याद आ रहा है कुछ कुछ, चलो। तो यहाँ पे अगले साल के लेजर्स बन जाएंगे, यहाँ तक यहाँ पे मैं इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बना देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट्स, थोड़ी देर के लिए मैंने वो एग्जांपल बदल दिया, ठीक है ना, उसमें अगला साल कंटिन्यू हो रहा था, लेकिन इसमें जरा अगला साल कंटिन्यू नहीं करूंगा, और एक दो इंपॉर्टेंट बातें समझा दूंगा, क्योंकि अब वो पांच दिन लगा के तो बैड टू डेट होने नहीं है, कि ढेर सारे सवालों के अंदर जाके कहीं ना कहीं बात समझ आ जाए। आज इंशाल्लाह एक सवाल में ही सारी बातें समझेंगे और समझ भी आ जाएगी, ठीक है। ओके, 2000 पता नहीं कौन सा ईयर वन, पहले साल में, ठीक है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर बैड डेट एक्सपेंस नजर आ रहा है 700, ठीक है, सही है। अच्छा, अब ईयर टू आया, अच्छा आप कहोगे जी बैलेंस शीट, तो आप बैलेंस शीट देख लो यार, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में डेटर्स 7000, ये कैश फ्लो के अंदर भी बहुत यूज होता है टॉपिक, लेकिन इसी लेवल का जैसे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। लेस प्रोविजन, वो स्पेसिफिक प्रोविजन वाला चक्कर कोई नहीं होता यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि फुल फ्लैश सवाल बनाना पड़ेगा, 7-8 नंबर का सवाल अब यहाँ पे FAR 1 में नहीं आना, सिलेबस में नहीं है ना, इंट्रो के सिलेबस में है, लेकिन इंट्रो यूज तो होता ही, आपको पता है डेप्रिसिएशन जैसे बेस बन के आई यहाँ पे लोगों ने आगे यूज किया उसको, जैसे अक्रूअल आपने देखा यूज हो रहा है और होता रहेगा, ठीक है। और प्रोविजन 700, और हमारे डेटर्स नेट ऑफ प्रोविजन बैलेंस शीट में नजर आते हैं कितने, 63। ये बैड डाउटफुल डेट जो है ना बेटा, FAR 2 में भी आएंगे, तो इंट्रो का पढ़ा हुआ काम देता रहेगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब अगला साल आया ईयर 2, और हमने कारोबार बंद कर दिया, शटर फिर भी खुला है, क्यों, क्या वजह होगी, कोई बंदा आया, हाँ भाई फ्रांस चीज दो, नहीं भाई कारोबार बंद, जो चीज जिस चीज का काम शुरू किया था बंद हो गया, काम बंद, फिर बैठे क्यों हो, मंजी डाल के बैठे क्यों हो, वो जो मुझे 7000 आना था ना, वो उसके इंतजार में बैठा हूं, ठीक है। तो ये 2 स्टार्ट हुआ, तो ब्रॉड डाउन था 7000, लेकिन मैंने कहा कारोबार बंद, बस कहानी खत्म, ओके कारोबार बंद, ओके। नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स,
ठीक है, यही मुश्किल से रिवाइज हो जाए अल्लाह करे। अच्छा जी, अब भाई मोहल्लेदारों ने भी हद कर दी, सेल तो एक रुपए की सेल नहीं, क्या कारोबार बंद कर दिया यार, और नहीं बेचे, दुकान पे बैठे हैं कि पैसे जरा आ लें तो फिर हम ये पैसे समेटें और घर जाएं, रिसीवेबल्स हैं हमारे। अब मोहल्लेदारों ने भी ना हद कर दी, हमने जो सोचा था कैश जब आया तो कैश आया है सिर्फ 6,000 रुपये, तो क्या क्लोजिंग नहीं, बस मंजी चुको तो घर जाओ, ठीक है ना, बस आए ही कितने, आए ही कितने, अब कारोबार बंद हो गया, हमने दुकान का शटर भी डाउन कर दिया और हमें पता लग गया, पैगाम वसूल हो गए कि बाकी हज़ार अब पता लग गया, तो ना उम्मीद होकर दुकान बंद कर दी। अब ये 1,000 कहाँ चला जाता था, बैड डेट रिटर्न ऑफ है, ये असल में भागे हैं, बैड डेट रिटर्न ऑफ। अब मसला ये है, अगर आपने यहां पर 1,000 ले लिया ना तो ये बात सही नहीं है, क्यों, जब भी कभी बैड डेट राइट ऑफ हो आपने हमेशा उसको प्रोविजन के साथ मैच करना है। मैं दोनों पॉसिबिलिटीज आपको भी बताऊंगा, बल्कि तीनों ही बता देता हूं इसी सवाल के अंदर, कहानी मुकाई है, ठीक है। अंदाजा था कि 700 भाग जाएंगे, इसके साथ कंपेयर करो भागे कितने, 1,000। मुझे याद है वैसे आप लोग तो बड़े स्टेप वाइज चलते थे, ये बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री करते थे, फिर उसको क्रेडिट करके इसको डेबिट करते थे, बस छोड़ो वो कहानी, आप वो बचपन में सिखाया जाता है, सादा बात अब कर दी हमने। देखो 700 शक था कि 700 भागेंगे, क्या मतलब भाई, शक था कि 700 भागेंगे लेकिन असल में भाग गए 1,000, क्लोजिंग तो जीरो है, इधर देखो, यानी कि क्लोजिंग बैलेंस 0 × 0% क्या आया, ठीक है। तो शक था 700 भागेंगे, 700 रुपए नहीं आएंगे, 1,000 ही भाग गए, तो कितने मजीद भागे, तो भाई बैड डेट एक्सपेंस जो बैलेंसिंग है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में नजर आना है, वो सॉरी टाइम भी कम है, अब बस कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस, इधर देखो 1,000 ले जाते तो ये क्या गड़बड़ थी, 700 तो पहले ही अंदाजे की बुनियाद पे रिकॉर्ड किया हुआ था, बात समझ रहे हो, तो फिर यहाँ पे ज्यादा हो जाता, तो अब ईयर 2 में क्या कहेंगे, 300 का मजीद एक्सपेंस हो गया, बात समझ गए, ये मैच किया हमने प्रोविजन शक, असल में जो भागे कंपेयर किया तो मजीद एक्सपेंस बढ़ाना पड़ा, ये बुकिंग करनी पड़ी, मजीद एक्सपेंस बढ़ाना पड़ा, और ईयर 2 के एंड पे डेटर्स भी कोई नहीं बचे, प्रोविजन भी कोई नहीं बची, कहानी खत्म हो गई, डेटर्स ने कारोबार ही बंद कर दिया। ये मैंने कारोबार इसलिए बंद किया ताकि आपको ये समझा सकूं, बैड डेट रिटर्न ऑफ क्या होता है और बैड डेट एक्सपेंस क्या होता है। एक्सपेंस हम अंदाजे की बुनियाद पर रिकॉर्ड कर लेते हैं अकाउंटेंट्स, उसमें चेंज आ सकती है, वो चेंज इन एस्टीमेट तो होता ही है। अब इधर देखो, इसको जरा नोट कर लो पहले, फिर मैं इसको चेंज करना चाह रहा हूं, पिक्चर लो, मतलब पिक्चर, अच्छा चलो मैं कुछ काटता नहीं हूं, इधर देखो वापस ये लिख दूंगा। अब सुनो, अंदाजा था कि 700 भागेंगे, अब देखना इधर प्लीज बनाओ भाई पिक्चर्स, ओके डन, कोई है फोटोग्राफर और नहीं, अच्छा इधर देखो, अच्छा देखो, सोचा था 700 भागेंगे और अगले साल जब दुकान खोल के बैठे रहे, ये वापस मैं लिख दूंगा फिर, ठीक है ना, वापस मैं वही सिचुएशन बनाया तो अपने सवाल वाली, फिलहाल जरा चेंज किया, और 6,300 आ गए, ठीक है, तो कितने भाग गए फिर, 700। अब हम इधर आए, शक था 700 भागेंगे, 700 ही भागे, तो कोई एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं आया, डन, ठीक है ना, ये एक्सपेंस था कि कोई एक्सपेंस नहीं है, ओके सही है, अच्छा शक था 700 भागेंगे, ठीक है, और 1,000 तो भगा लिए है ना, ज्यादा भी हो गया बराबर भी हो गया, शक था 700 रुपए नहीं आने, लेकिन बड़े ही कमाल लोग थे, 6,500 दे गए, तो भागे कितने, शक था 700 भागेंगे, भागे सिर्फ 500, तो ये फिगर इधर आने की बजाय लिखेंगे तो हम फिर भी वही बैड डेट एक्सपेंस, ठीक है, जानना इसने भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही है, लेकिन बैलेंसिंग भी ये आया है, लेकिन यहां पर साइन उलट हो जाएगा, मतलब अगर एक्सपेंस माइनस के साथ लगा रहे थे तो ये इस साल में वहां पर इनकम में आएगा, इनकम है, इनकम की तरह ही है, देखो ना
ये प्रोविजन की एंट्री पड़ रही होती है, अगर आपको गौर करें ना आप लोग, रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में एंट्री करनी पड़ सकती है आपको। प्रोविजन फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है? बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है? अब वो नहीं, आप प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। प्रोविजन की एंट्री क्या होती है, ये एंट्री पे गौर करो, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट। कितना था? 700 था। ये जरा पुरानी वाली एंट्री को लिख लेना अपनी, भाई सही है। और बैड डेट रिटर्न ऑफ की एंट्री क्या होती है? ये वाली एंट्री, बोलो बोलो बोलो। बैड डेट क्रेडिट कोई नहीं, बस अब हम वो बड़े हो गए, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। हमारी एग्जांपल में कितना था? पहले वाली में 1000, ठीक है ना, वो जो असल थी, ये तो मैं चेंज कर रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा भाई 500 आ गए तो क्या कर दिया हमने? रिवर्सल डाल दिया। बात समझ गए? यही तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना। तो ज्यादा अच्छा समझ आ गया, दूसरे साल पे रोक दिया हमने काम को, आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, सही है। चले अब मैं वापस अपने सवाल को दोबारा वहीं पे लेके जा रहा हूँ जहां पे था, ठीक है जी। शक था, पुराना सवाल, शक था कि 700 नहीं मिलेंगे लेकिन 1000 नहीं मिले, तो शक में क्या कर लिया हमने? मजीद इजाफा, ठीक है भाई, सही है ना। और दोनों एंट्रीज भी मैंने आपको बता दी। अच्छा अब रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में क्या होगा? कैश फ्लो वगैरह में तो ये ऐसे ही सही वाले बनाने हैं। रेक्टिफिकेशन के टॉपिक में क्या हो सकता है? रेक्टिफाइंग एंट्री कोई ऐसी आए कि वो डेटर को हिट कर दे, डेटर बढ़ जाए या कम हो जाए। तो आपको पता है प्रोविजन डेटर के क्लोजिंग से ही निकलती है, तो अगर डेटर हिट हो गया तो प्रोविजन ने भी हिट होना है, ठीक है ना, तो उस इंपैक्ट को हमें निकालना पड़ सकता है, ठीक है। अच्छा ये एग्जांपल मैंने बना दी, ये ज्यादा अच्छी लग रही है, ठीक है ना। लेकिन इधर आए आप, आपने मैं इस तरह कर दूंगा इसको, फिलहाल तो आप इसकी पिक्चर ही ले लें, ठीक है ना। सॉरी एक मिनट इसको तो सही कर दें, 300, ओके, ताकि हमारा वो काम, ओके, पहली वाली एग्जांपल। लेकिन मैंने कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला ना तो हैंड आउट के अंदर पॉसिबिलिटीज भी लिख दूंगा, ठीक है ना। तो तीनों के अलग अलग सोल्यूशन बना लेना आप, छोटे छोटे सोल्यूशन ही तो हैं, और ठीक है ना। जूम कर लो, मैं कह रहा हूं कि वो तस्वीर ले लो तो फिर लाइट। अच्छा आपने क्या करना है, आपने इस सवाल को ऐसे भी कर लेना, एक बार ऐसे भी करके देख लेना, कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। मैंने दोनों एंट्रीज भी रिवाइज करवा दी, अच्छी रिवीजन हो गई तरह, ठीक है। चल वो तस्वीरें सबने खींच ली, अगर तो मैं सीट को नीचे कर देता हूँ, वैसे मैं हैंड आउट दे दूंगा शाम तक, लेकिन ये जो है ना आप इस सवाल को कर लेना। क्या भाई मैं टैक्स पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है जी। तो होमवर्क के अंदर सिबी और स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स पहले, और अब प्रोविजन रिवाइज करा दिया इसलिए तो अच्छे तरीके से हो सकता है, ठीक है। स्काई इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट 5 का क्वेश्चन नंबर, वो रेक्टिफिकेशन वाला 2 जो है, एमसीक्यूज नहीं, ठीक है ना। और वैसे एमसीक्यूज ना आईकेएफ की लेटेस्ट अटेम्प्ट वाले मैंने डाले थे सारे, ठीक है ना। मैंने कहा चेक तो करें आपको आता है या नहीं आता, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।